सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सर्व सिद्धे भुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पौड़ मिनमो सुद केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा देहानंद अपार। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम 16वीं गाथा के पश्चात जो चार कलश आए हैं उनकी चर्चा अपन ने की थी। साधु पुरुषों को दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। निश्चय से ये तीनों आत्मा है, इसका अर्थ एक आत्मा का सेवन करना चाहिए। तो दर्शन ज्ञान चारित्र का करे कि आत्मा का करे, इसी संदर्भ में प्रमाण और नयों की क्या स्थिति है। तो प्रमाण की, निश्चय नहीं की, व्यवहार नहीं की क्या स्थिति है, ये तीन कलशों में स्पष्ट कर दिया गया था। और अंतिम कलश में ये कहा था कि इनमें अधिक उलझने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पहले पंडित लालचंद भाई आते थे, अभी जो अगस्त का शिविर चलता है ना, ये तो महाविद्यालय की स्थापना से लेकर के ही चालू है। उस समय एक विद्वान आते थे और उन्हीं की मुख्यता से प्रवचन चलते थे। तो उस समय मैं नाम भूल रहा हूँ कौन, लेकिन उनके प्रवचनों को सुन करके एक निष्कर्ष वाक्य ऐसा निकाला था, प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं, ये दोनों स्थितियां हैं। प्रमाण के बाहर नहीं जाना, प्रमाण की विषयभूत वस्तु द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, जो गुणों से द्रव्य को समझना और ज्ञान श्रद्धा चारित्र की वर्तमान प्रकट पर्यायों से द्रव्य का आश्रय करना, इसी में अभेद अखंड द्रव्य निश्चय का विषय है। और जो पर्याय हैं गुण भेद व्यवहार का विषय है, जैसे ये सब प्रमाण के अंतर्गत आ जाता है। भाई इससे ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, प्रमाण के बाहर जाना नहीं, परंतु प्रमाण ऐसे वस्तु को समझ तो लेना लेकिन प्रमाण में अटकना नहीं। इसी में लगे रहेंगे तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये 19वें कलश में ये चर्चा की गई थी। पंडित बनारसी दास जी ने इसी बात को अपने शब्दों में, क्योंकि उनका भावानुवाद होता है इसलिए अपने तरीके से, छंद तो उन्होंने भी चार ही लिखे लेकिन वो विषय उस क्रम से पूरा नहीं है, उस तरीके से नहीं है। प्रारंभ में ही एक साथ प्रमाण और निश्चय व्यवहार सबके विषय ले लिए, फिर पुनः प्रमाण ने अलग अलग भी बता दिए। और मूल अमृतचंद्र आचार्य के कलशों में एक कलश में प्रमाण की चर्चा है, एक में व्यवहार की है, एक में निश्चय की है और फिर अंतिम प्रेरणा का है। इतना सा अंतर है। और दूसरा कल कह दिया था कि जो मूल कलश में मेचक शब्द का प्रयोग है और उसे बनारसी दास जी समल कहते हैं और अमेचक को विमल कहते, निर्मल कहते हैं। पेज नंबर 221 अनुशीलन में, इसलिए पीछे कनिष्ठ वालों ने लिए कि नहीं अनुशीलन, ले लिए ना, सभी के पास है।
चलिए अब इनके साथ मिलकर के आप भी बोलिए बोलिए। दर्शन ज्ञान चरण त्रिगुणातम समल रूप कहिए व्यवहार, ये सबसे पहले व्यवहार की बात ले ली, कलशों में पहले प्रमाण की बात है। व्यवहार से देखा जाए तो आत्मा कैसा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे तीन रूप है, त्रिगुणातम त्रैरूप्य को धारण करने वाला है और इस कारण से उसे समल कहा जाता है, मेचक। तो वहाँ विचित्र अनेक आकार समझना उसे। निहिचे दृष्टि और निश्चय से देखा जाए तो एक रस चेतन, बस एक चैतन्य रूप है। मूल कलश में ज्ञातृत्व ज्योतिष एक का कहा था, ज्ञातृत्व ज्योतिषा एक रस चेतन भेद रहित अविचल अविकार, ये निश्चय की दृष्टि है। कितने विशेषण दिए, अविकार अविचल भेद रहित और एक रस रूप है, चैतन्य रूप है। सम्यक दृशा प्रमाण उभय ने, और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, वो क्या कहता है, उभय नए प्रमाण, सम्यक ज्ञान के लिए प्रमाण के लिए दोनों नए समान है, दोनों नयों की विवक्षा यथावत है। निर्मल समल एक ही बार, एक साथ युगपत, वो समल भी है और निर्मल भी है। यो समकाल जीव की परिणति कहें जिनेन्द्र गए गणधार, ऐसी एक ही साथ ऐसी जीव की परिणति है। अब जीव की परिणति, अब परिणति कह रहे तो क्या पर्याय लेना, एक अनेक, समल अमल, एकाकार अनेकाकार, ये परिणति, तो परिणति माने अवस्था। अब परिणति का मतलब पर्याय ही हो ऐसा नहीं है, जीव की ऐसी दोनों प्रकार की अवस्था एक साथ है, भेद अभेद नित्य अनित्य एक अनेक, ऐसी स्थिति एक साथ है, ये प्रमाण की विवक्षा है। ऐसा किन्होंने कहा, कहे जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की वाणी तो कैसी होती है, एकाक्षरी होती है, ओंकार में ही होती है, तो उन्होंने तो ओम बोला था, ये कहा ये कैसे पता चला, क्योंकि उनकी वाणी में क्या कहा जा रहा है इसे गहे गणधार, गणधर जो है इसे ग्रहण करते हैं, उसे द्वादशांग रूप भाषा देते हैं, उस रूप में उसे निबद्ध करते हैं और उसी परिपाटी से हमारे पास तक ये बात आई हुई है। अभी हस्तिनापुर में जो ज्ञानमती माता जी ना आ रही का, वो इस ये वर्ष मना रही है, गौतम गणधर का वर्ष मना रही है। गौतम गणधर किस अपेक्षा क्या पता नहीं है, इन्हें गणधर का वो मना रही है, तो गणधरों की क्या विशेषता, गौतम गणधर का क्या योगदान, तो यही सबसे बड़ा योगदान है कि उस वाणी को सुनकर द्वादशांग रूप से निबद्ध किया और वो परिपाटी
उस क्रम से द्वादशांग रूप से आगे चलती रही, वह अभी हमें उपलब्ध है। यदि या वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहद ज्ञानाम्भोवीर जगति जनताम या स्नपयति इदानीम पेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता। बुद्ध जन मरालय, बुद्धिमान रूपी जो हंस है उनके द्वारा वह अभी भी परिचित है, उनके माध्यम से हमारे पास तक पहुंची। तो जिनेन्द्र भगवान ने कहा और गणधर देव ने उसे ग्रहण किया है, वो बात है, ये मूल बात है, वस्तु स्वरूप। उसमें समग्र जनवाणी में देशना लब्धि के रूप में कहते, देशना मुख्य जो है आत्मकल्याण की दृष्टि से पंचास्तिकाएं, छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ, ये मूल देशना, ये सम्यक्त्व के लिए कार्यकारी है, ऐसी ये देशना ये मूल है उसमें से। और इसे जब हम जयसेन आचार्य, तात्प्रवृत्ति टीकाकार जयसेन आचार्य ना, उनकी तरफ से कहेंगे तो इसमें से फिर वो कहेंगे पंचास्तिकाएं में एक शुद्ध जीवास्तिकाएं, षट द्रव्यों में एक शुद्ध जीव द्रव्य, सात तत्वों में एक शुद्ध जीव तत्व, नौ पदार्थों में एक शुद्ध जीव पदार्थ, ये उपादेय है, फिर उसमें से उपादेय बात, ये बात जिनेन्द्र भगवान ने कही और गंधर्व ने उसे ग्रहण किया। अब पुनः उसे जो तीनों में विभाजित किया था निश्चय व्यवहार पर एक एक कलश है, इसलिए पुनः उसकी बात करते हैं। एक रूप आत्म दर्भ ज्ञान चरण दृग तीन भेद भाव परिणाम सो व्यवहारे सुमलिन। वो एक रूप जो आत्मा है वो दर्शन ज्ञान चारित्र इस रूप से तीन प्रकार के भेदभाव को परिणमित हो जाता है। समझाने के लिए जब भेद किए जाते हैं, सचमुच समझाने के लिए भेद किए जाते हैं, होते नहीं हैं, टुकड़े हो ही नहीं सकते, ज्ञान अलग निकाला जाए दर्शन अलग निकाला जाए, है नहीं, निकाले नहीं जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं। समग्र द्रव्य में एक ऐसी विशेषता है जो जानने का कार्य करती है, एक ऐसी विशेषता है जो श्रद्धान करता है। ये पेज नंबर 224 पर देखिए, इसमें मैंने कलश टीका का अंश लिया हुआ है, लेकिन विशेष अर्थ कलश टीका के बाद, कलश टीका के आधार से दिया हुआ है। और यह एक विशेष बात भी यहाँ ध्यान दिला दी, सर्वत्र दर्शन का अर्थ श्रद्धान प्रतीति अपनापन एकत्व ममत्व किया जाता है, और ज्ञान का अर्थ जानना तथा चारित्र का अर्थ रमना जमना वितरकता रूप परिणमन करना शांत रहना किया जाता है। अरे ये किसकी विशेषता, श्रद्धान प्रतीति अपनापन एकत्व ममत्व, ये कौन करता है? तो एक जीव द्रव्य में ही जो ऐसी विशेषता उसका नाम श्रद्धान दर्शन, श्रद्धान वाला दर्शन गुण, और पदार्थों को जानना, जानने के रूप जो विशेषता उसका नाम ज्ञान, और रमने जमने की जो विशेषता, और रमने जमने के कारण सहज वितराग निर्मल परिणति, वह चारित्र, यानी ये सब एक द्रव्य की विशेषताएं हैं। विशेषताएं कही जा सकती है और विशेषताएं भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन वस्तु में से अलग नहीं निकाली जा सकती। तो एक जीव द्रव्य इन तीन गुणों की अपेक्षा भेदभाव परिणाम को प्राप्त हो जाता है, इसी का नाम व्यवहार, और इसी से उसको मलिन कहा, व्यवहार से उसे मलिन कहा। चर्चा कल कह दी थी, भेद पर दृष्टि देने से निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती है, राग की उत्पत्ति होती है, इस कारण से उसे मलिन कहा गया है। यद्यपि समल व्यवहार सो, यद्यपि इस प्रकार से भेद करने पर व्यवहार से वह समल है, पर्याय शक्ति अनेक, क्योंकि पर्याय की शक्ति पर्याय के भेदों से देखा जाए तो अनेक है। अब पर्याय शक्ति का मतलब अकेली परिणमित होने वाली पर्याय नहीं लेना, गुण भेद भी लेना, प्रदेश भेद भी लेना, तो इन सब के कारण से वह अनेक रूप हो जाता है, और इसी कारण उसे समल भी कहा जाता है व्यवहार से। तदपि नियत नहीं देखिए शुद्ध निरंजन एक, फिर भी निश्चय से देखा जाए तो
उसी समय वह एक निरंजन शुद्ध है। निरंजन किसी प्रकार की कालिमा जिसमें नहीं है, ऐसा वह शुद्ध ही है। करना क्या, वो अंतिम चरण, अंतिम कलश 19वां, उसका भाव, एक देखिए जानिए रमि रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यह सिद्धि नहीं। और वो समल है कि विमल है, और समल विमल का मतलब एकाकार है कि अनेकाकार है, और मूल संस्कृत के शब्दों की बात करें तो मेचक है कि अमेचक है। न विचारिए, इस विचार में मत अटके रहिए। तो क्या कीजिए, एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठौर, बस एक को जानो, एक को देखो, एक में लीन हो जाओ। वो एक कौन है, वो एक कौन है, वो एक आत्मा है, निश्चय ने का विषय भूत, जिसको ये ऊपर नीचे दृष्टि एक रस चेतन, भेद रहित अविचल अविकार, वो जो एक है उसको देखो जानो और उसमें ही रमनता करो। यह सिद्धि नहीं, और इससे ही साध्य की सिद्धि हो सकती है, और प्रकार से नहीं हो सकती। भावानुवाद है, मूल कलश में तो ये कहा था दर्शन ज्ञान चारित्र से साध्य की सिद्धि होती है, और बनारसी दास जी कह रहे एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठौर, तो एक ही बात है कि अलग अलग बात है। दर्शन ज्ञान चारित्र से साध्य सिद्धि होती है ना, आप तो एक की बात कर रहे हैं, तो उस एक में ही तीनों आ गए ना। एक देखिए, इसमें क्या आ गया, दर्शन आ गया, श्रद्धान आ गया, एक जानिए इसके ना इसका सम्यक ज्ञान आ गया, और रमी रहिए एक ठौर, इसमें चारित्र आ गया। बस इससे ही सिद्धि हो सकती, और प्रकार से नहीं। कैसे, अब इसकी चर्चा उदाहरण सहित आगे 17वीं 18वीं गाथा में करते हैं। साध्य सिद्धिर न चान्यथा, ये जो ली गई है बात, इसे न्याय की भाषा में तथोपत्ति और अन्यथा अनुपत्ति कहते हैं। तथोपत्ति अन्यथा अनुपत्ति, टीका में आएगी चर्चा, टीका के पहले पैराग्राफ में ही चर्चा ली गई है इस बात की, तथोपत्ति अन्यथा अनुपत्ति, और इसी से वह साध्य की सिद्धि की बात करेंगे। तथोपत्ति अन्यथा अनुपत्ति अर्थात अन्वय व्यतिरेक, तथो उपपत्ति अन्यथा अनुपत्ति, ऐसा होने पर ऐसा होना, तथा उपपत्ति, तथा इस प्रकार से है तो उपपत्ति कार्य होगा, अन्यथा यदि ऐसा नहीं है तो अनुपत्ति कार्य भी नहीं होगा। परीक्षा मुख का सूत्र है ना, अन्वय व्यतिरेक गम्यो ही कार्य कारण भावः, यह सूत्र के व्याख्या में दिया होगा। कार्य कारण भाव जो भी जहाँ भी होता है वह अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से होता है, वहाँ अर्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण है कि नहीं है, इस संदर्भ में बात करते हुए लिया है। और अर्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण इसीलिए नहीं है क्योंकि उनका अन्वय व्यतिरेक ज्ञान के साथ घटित नहीं होता। यदि अन्वय व्यतिरेक घटित होता तो उनको कारण मान सकते थे। यहाँ कह रहे हैं जो साध्य की सिद्धि परिपूर्ण मुक्त दशा, वो मुक्त दशा रूप कार्य किससे सिद्ध होता है, उसका कारण क्या है, यदि उसके कारण की खोज की जाए तो अन्वय व्यतिरेक लगाओ, जिससे होता ही है और जिसके नहीं होने पर नहीं होता है उसको कारण कहेंगे। तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र है। टोडरमल जी ने, समझ लीजिए, इन सब का भाव लेते हुए वो बात लिखी है 9वें अधिकार में, है ना, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में, वहाँ लिखा एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनके होने पर कार्य हो भी न भी हो, कुछ ऐसे होते हैं जिनके नहीं होने पर कार्य न हो लेकिन होने पर हो भी और नहीं भी हो, परंतु कुछ कारण ऐसे हैं जिनके होने पर कार्य अवश्य हो और नहीं होने पर बिल्कुल भी न हो, वो सच्चा कारण कहलाएगा। और वहाँ क्या बताया कौन सा कारण है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय, वही ऐसा कारण है, तो उसको यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं।
तो दर्शन ज्ञान चारित्र के होने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये तथोपत्ति। दर्शन ज्ञान चारित्र ही साध्य सिद्धि, ये तथोपत्ति। और न च अन्यथा, यदि दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है तो साध्य की सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं होती, ये अन्यथा अनुपत्ति। इसी बात को ये अगली गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं। गाथा बुलाते हैं 17वीं 18वीं। जह नाम को विपुरिसो रायाणम जानिऊन सद्दहदि तोतम अणुचर दिपुणो अथीवोपयतेण एवं हि जीवरायाम णादव्वो तहय सद्दहे दव्वो अणुचरि दव्वो यपुणो सोचे वदु मोक्ष कामेण। कुंदकुंद आचार्य की दृष्टांत उदाहरण देने की शैली जह नाम, बहुत जगह आप देखेंगे जह नाम इसी रूप में वो उदाहरण देते हैं हमेशा। जह नाम को भी पुरुषो, जैसे कोई पुरुष, कौन पुरुष, अंतिम में जो बात ली गई है अर्थार्थी हो, कौन सा, जो अर्थार्थी, अर्थ है अर्थ जिसका, अर्थार्थी तो अर्थ हो गए ना, अर्थ है अर्थ जिसका। अब अर्थ है अर्थ जिसका, इसमें पहले अर्थ का क्या अर्थ और दूसरे अर्थ का क्या अर्थ, पहले अर्थ का क्या अर्थ है, धन का अर्थी, इसलिए धनार्थी शब्द का भी प्रयोग किया पद्यानुवाद से, शायद नहीं पद्यानुवाद भी अर्थार्थी है, माने पहले अर्थ का अर्थ है धन, धन संपत्ति, और दूसरे अर्थ का क्या अर्थ है, प्रयोजन, धन ही है प्रयोजन जिसका, वह अर्थार्थी। आप लोग कौन हो, आप लोग कौन हो, विद्यार्थी, अर्थार्थी नहीं हो, अर्थार्थी नहीं हो, क्यों पढ़ रहे हो फिर, क्या चाहते हो पढ़ करके। और यदि विद्यार्थी हो तो जीवन भर विद्यार्जन करते रहो, बीएड क्यों करते हो, बीएड क्यों करते हो, हम तो विद्या अध्ययन के लिए करते हैं, और बीएड नहीं करो तो विद्या का अध्ययन नहीं होता है क्या। अब थोड़ा अर्थार्थी हो जाते हैं, फिर अर्थार्थी हो जाते हैं, तो अभी तो विद्यार्थी हो ना, विद्या है प्रयोजन जिनका, तो अर्थार्थी, अर्थ ही है अर्थ माने प्रयोजन जिनका, ऐसे अर्थार्थी पुरुष जह नाम, जैसे को भी कोई अर्थार्थी वो पुरुषो, अर्थार्थी पुरुष क्या करता है, रायाणम जानिऊन सद्दहदि, राजा को जान करके राजा का श्रद्धान करता है, तोतम अनुचरदि पुणो, और उसका अनुचरण करता है। इसके लिए वो करता क्या है कि प्रयत्न, प्रयत्न पूर्वक, अर्थार्थी है और हम कौन हैं, विद्यार्थी है। अब प्रयत्न शब्द हमारे साथ लगता है कि नहीं पता नहीं है, वहाँ तो लगता है, अर्थार्थी है तो वहाँ तो बराबर लगता है, वह अर्थ के लिए जो जो भी करना है वो कैसे करता है, प्रयत्न पूर्वक करता है, और प्रयत्न वहाँ उसमें थकता भी नहीं है, रुचि पूर्वक करता है, उसमें उसको हर्ष बहुत है उसका करने का, प्रयत्न प्रयत्न पूर्वक। तो क्या करता है, तो ये तो बात तो इस बात की चल रही थी कि दर्शन ज्ञान चारित्र से साध्य की सिद्धि होती है, इसके लिए उदाहरण दे रहे थे, तो इसमें तो क्या बात हुई, भी जिसको धन चाहिए तो जिसके पास धन होगा उसके पास जाता है, और उसके पास जा करके उसको बराबर उसकी सेवा करता है तो उसे धन मिल जाता है, तो उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र वाली बात कहाँ आई, कहते ये आ गई उसमें, ये जो प्रक्रिया है उसके धन प्राप्त करने की, उसके लिए उसने क्या किया,
कि राजा के पास धन है ये पहले जाना, इसलिए रायाणम जानीऊन, राजा को जानकर तो ज्ञान आ गया, फिर सद्दी, फिर अच्छी तरह से श्रद्धान करता है कि राजा है और इससे धन मुझे अवश्य मिलेगा, ऐसा श्रद्धान करता है, और फिर तो तम अनुचर दी, और फिर इसका अनुसरण करता है, उसकी सेवा करता है, ये चारित्र आ गया। तो ये ज्ञान श्रद्धान चारित्र ये इनका प्रयोग किया है तभी उसका धन का प्रयोजन सिद्ध हुआ है। तो जैसे वह पुरुष अपने प्रयोजन सिद्धि के लिए, धनार्थी धन के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये ज्ञान श्रद्धान चारित्र का उपयोग करता है, वह उसी प्रकार जहनाम अब एवं ही उसी तरह से मोक्ष कामेण साध्य सिद्धि, मुक्ति रूपी साध्य की सिद्धि यदि मोक्ष की कामना है तो मोक्ष की कामना के लिए क्या करना चाहिए। एवं ही जीव रायाणादवो, जीव राजा को जानना चाहिए। राजा के पास ही जाकर के धन क्यों मांगते हो, राजा के पास जाके धन क्यों मांगते हो? क्योंकि राजा के पास धन बहुत है, इतना है वे आपको देता जाए तो भी उसके पास खत्म होने वाला नहीं है। और किसी के पास जाओ तो तुम्हें देगा तो वो क्या करेगा, इसलिए और किसी के पास नहीं, राजा माने धन का भंडार देता जाए और ख़त्म भी ना हो। ऐसे मोक्ष चाहिए तो किसके पास जाना, कि जीव राजा, जीव के पास। ये क्यों, तो उसके पास मोक्ष कैसा है कि उसके पास एक बार मोक्ष दशा प्रकट हो जाए, रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, वो पहले समय में प्रकट हुई मुक्त दशा, पहली मोक्ष पर्याय, वहाँ से लेकर अनंत काल तक सिद्ध 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 ऐसी प्रति समय पर्याय अनंत काल तक निकलती रहेंगी और कुछ भी घटने वाला नहीं है प्रति समय। तो ये जीव से ही संपन्न हो सकता है, इसलिए मुक्ति के लिए जीव राजा है। जैसे लोक में धन संपत्ति बहुत अधिक धनवान, ये राजा की श्रेष्ठता इस रूप में ली जाती है, ऐसे जीव भी अनंत गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय, ऐसा आत्मा, इसलिए जीव राजा। वास्तविक राजा तो जीव ही है, जीव राजा। तो जीव राजा को ना दवो क्या करना चाहिए, जानना चाहिए, तहे सद्य है दवो, और उसी का श्रद्धान करना चाहिए। अनुचरी दवो ये पुणो सोचेव, पर वही अनुचरी दवो है, उसका ही अनुसरण करना चाहिए, जानना पहचानना और उसमें लीन होना। जानना ज्ञान हो गया, पहचानना दर्शन हो गया, और अनुचरी दवो है अनुसरण करना, लीन होना उसमें, ये चारित्र हो गया। मोक्ष कामेन मोक्ष की इच्छा से, तो इससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होगी, अर्थात साध्य की सिद्धि होती है, इसी से होती है, इसके कारण से वो दर्शन ज्ञान चारित्र इसके क्रम में आ गए हैं। पुनः गाथा बुलाते हैं, कोई शब्द अस्पष्ट रह जाए तो आप पूछ सकते हो। जहनाम को विपुरिसो रायाणम जानियो न सद्दहदे तोतम अनुचर दिपुणो अथीवोपयतेण एवं हि जीवरायाम नादव्योतहय सद्दये दव्वो अनुचरि दव्वो यपुणो सोचे वदु मोक्ष कामेण। गाथार्थ देखे, जिस प्रकार कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर उसकी श्रद्धा करता है और फिर उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, उसकी लगन से सेवा करता है, ठीक उसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए, फिर उसका श्रद्धान करना चाहिए, उसके बाद उसी का
अनुचरण करना चाहिए, अर्थात अनुभव के द्वारा उसमें तन्मय हो जाना चाहिए, जिससे मोक्ष रूपी साध्य की सिद्धि हो सके। बोले अब मूल गाथा और पद्यानुवाद दोनों बोलिए। प्रश्न का उत्तर या जो उत्थानिका में बात कही थी वह बात आ गई, दर्शन ज्ञान चारित्र से साध्य की सिद्धि होती है। लेकिन एक क्रम में अंतर आ गया, वहाँ तो कह रहे थे दर्शन ज्ञान चारित्र ही साध्य सिद्धि, और यह क्रम क्या दिया, ज्ञान दर्शन चारित्र जानी ऊन श्रद्धा दी, पहले जानो फिर दर्शन श्रद्धान करो और फिर अनुसरण करो, तो ज्ञान को पहले क्यों लिया, इसकी चर्चा यहाँ मूल टीका में आई है। इसके आधार से पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में लिखा हुआ है, पहले भावार्थ से चर्चा करते हुए, और वो बात भी उसमें स्पष्ट होगी संक्षेप में भावार्थ में, तथोपत्ति अन्यथानुपत्ति उसकी बात भी आई, और श्रद्धान ज्ञान पहले लेते हुए श्रद्धान क्यों लिया वो बात भी आ जाएगी, और भावार्थ पढ़ने के बाद फिर अपन टीका के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो मोक्ष की कामना के लिए जीव राजा को जानना पहचानना और उसमें ही लीन होना चाहिए, हम भी अपने जीव राजा को जाने पहचाने और उसमें लीन हो, इसी मंगल भावना के साथ।